यू आर फाइटिंग घोस्ट इन योर हेड डू यू इवन रियलाइज दैट मैं घोस्ट से लड़ता नहीं हूं उन्हें खा जाता हूं तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों एनिमल की अपडेटेड एडवांस रिपोर्ट के एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भाई साहब, ये मूवी ए रेटिंग एडल्ट कंटेंट का ठप्पा लगने के बावजूद भी जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। एडवांस से टाइगर 3 की बराबरी करते नजर आ रही है, जबकि टाइगर 3 को यूए सर्टिफिकेशन मिला था और इस मूवी को ए सर्टिफिकेट से सेंसर बोर्ड ने पास किया है। भाई साहब, कल सुबह तक इसके हाल देखने को मिल रहे थे, लगभग 6 करोड़ 20 लाख के आसपास इसने एडवांस बुकिंग ले ली थी सिर्फ इंडिया से, और आज 3 करोड़ की उछाल मारते नजर आ रही है। अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे। एनिमल का ट्रेलर अभी तक कितने लाइफ टाइम व्यूज गेन कर चुका है, और इस साल जो ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज थी जवान, लियो, टाइगर 3, पठान, इनके ट्रेलर के बराबर के आसपास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है वो भी देखेंगे। उसका बुक माई शो इंटरेस्ट रेट कैसा चल रहा है, कितनी एडवांस बुकिंग इसने अपने हाथ में ले ली है, और डे वन पर क्या कलेक्शन होने वाली है, क्या ओपनिंग होने वाली है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को अप्लाई करना है, वो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे एनिमल के ट्रेलर को रिलीज हुए आज कम से कम 5 से 6 दिन हो रहे हैं, और इस ट्रेलर ने अभी तक सिंगल लैंग्वेज, ओरिजिनल लैंग्वेज में, अपनी हिंदी लैंग्वेज में 68 मिलियन व्यूज गेन कर लिए हैं। उनकी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक ही बंदा 5 से 6 बार इस ट्रेलर को तो देख ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ जवान के ट्रेलर ने 71 मिलियन लाइफ टाइम व्यूज गेन कर रखे हैं, जबकि इस ट्रेलर को 2 महीने से ऊपर हो गए। उसके बाद टाइगर 3 ने 75 मिलियन व्यूज गेन करे थे, 1 महीना ऊपर हो चुका है। लियो ने कहीं गेन किए थे 63 मिलियन इन ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल, ये सब ओरिजिनल लैंग्वेज की बात चल रही है जो इनकी मेजर ओरिजिनल लैंग्वेज है। लियो ने तमिल से 63 मिलियन व्यूज गेन करे थे, 1 महीने से ऊपर हो गया। पठान ने गेन करे थे हाईएस्ट, इस साल का हाईएस्ट ट्रेलर है जो ब्लॉकबस्टर मूवी में जाता है, जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया है, 99 मिलियन व्यूज गेन करे थे, और इसे भी कम से कम 8 से 7 महीने हो चुके हैं। तो भाई साहब, एनिमल का ट्रेलर ए सर्टिफिकेशन होने के बावजूद भी 68 मिलियन का व्यूज गेन करके रखा है। मे बी ये 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगा आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर, हु नोज। बात करते हैं डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इट मीन्स ये कि 1 दिसंबर को क्या तबाही होने वाली है, उसके रुझान देखते हैं, क्योंकि एडवांस बुकिंग हाई पीक पर चल रही है और जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिल रहा है। उससे पहले बुक माई शो इंटरेस्टेड बताऊं आपको, आज सुबह लगभग 9 बजे तक का तो 3,24,000 के आसपास इसका बुक माई शो पहुंच चुका है, और मूवी को रिलीज होने के लिए 2 से 3 दिन बचे हैं। 1 दिसंबर आते आते डेफिनेटली 5 लाख ये क्रॉस कर ही जाएगा, हो सकता है कल शाम तक ही कर जाए, क्योंकि हाई रेस्पॉन्स, अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। नेशनल चेन से शुरुआत करेंगे। कल 11 बजे तक की अपडेटेड रिपोर्ट आई है, जिसमें पीवीआर आईनेक्स से 1,04,000 टिकट बेच दिए, सिनेपॉलिस से 24,000, और टोटल पीवीआर आईनेक्स और सिनेपॉलिस को मिलाकर नेशनल चेन्स में 1,28,000 टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। बात करते हैं कि हिंदी से कितना कलेक्शन आ चुका है। भाई साहब, सिंगल लैंग्वेज हिंदी से मेजर कलेक्शन आता दिख रहा है, सिर्फ 9 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से ही आता दिख रहा है, जिसमें टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं 2,75,000, और शो जिसके खाते में आ चुके हैं सिर्फ हिंदी के 6,550। तेलुगु डब्ड वर्जन की बात करें तो 93 लाख की बुकिंग हो चुकी है, 59,000 इन्होंने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, और 646 शोज अपने खाते में अपने रख दिए हैं। तमिल डब्ड वर्जन की बात करें तो बहुत स्लो रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तमिल से उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है। तमिल 71,000 की एडवांस बुकिंग इन्होंने ले लिया सिर्फ तमिल डब्ड वर्जन से, 795 टिकट सोल्ड आउट कर दिया, 41 शोज स्टिल इनके खाते में रखे हुए हैं। कन्नड़ा में भी धमाल मचा रही है, हालांकि इसको बुकिंग ओपन हुए ज़्यादा दिन हुए नहीं है, कल या फिर परसों में ही या फिर कल सुबह तक ये कन्नड़ा वर्जन की बुकिंग हो चुकी है, और भाई विद इन आवर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। 2 लाख की एडवांस बुकिंग इन्होंने अपने खाते में ले ली है, जिसमें से 1,700 टिकट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। बात करते हैं भाई मुद्दे की बात पर आओ कि टोटल कितना कलेक्शन लगा है। टोटल टिकट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं सभी लैंग्वेज को मिलाकर, पीवीआर आईनेक्स एंड नेशनल चेन्स एंड तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, सभी लैंग्वेज को मिलाकर उन्होंने टोटल टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं 3,36,000 के आसपास, एंड टोटल सोच अभी तक इनके खाते में आ चुके हैं। ए सर्टिफिकेशन रेटिंग होने के बाद भी, ए सर्टिफिकेशन होने के बाद भी ये लोग ऑलमोस्ट 7,000
200 सोज अपने खाते में रख के चल रहे हैं भाई। एक दिसंबर आते आते हो सकता है ये 14,000 सोज भी अपने खाते में ले लेंगे या 15,000 भी, क्योंकि सैम बहादुर विकी कौशल की वो भी इसके सामने रिलीज हो रही है, टक्कर देने वाली है, उसको भी अच्छे खासे सोज मिलेंगे। लेकिन एनिमल को हाइएस्ट सोज मिलने वाले हैं। मुद्दे की बात पर आइए कि हाथ कितना लगा है अभी तक, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं मूवी को रिलीज होने के लिए और अभी से कितना कलेक्शन ये कर चुकी है, तो अनुमान लगाया जाए कि नेट इंडिया कलेक्शन कितना हो जाएगा। भाई साहब आज स्टिल सुबह 8 बजे तक का है, 9,95,00,000 के आसपास इन्होंने अपने खाते में रख लिया है सिर्फ एडवांस एडवांस से। अभी 1 दिसंबर को ऑन द स्पॉट जो बुकिंग होगी वो अलग जाएगी, तो हो सकता है टाइगर 3 के बराबर एडवांस बुकिंग ये अपने खाते में ले ले, जो अराउंड में अराउंड 23 करोड़ के आसपास थी, मे बी इससे ज़्यादा चले जाए क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, या मे बी इसी के आसपास रहेगी टाइगर 3 के आसपास। अगर सिंगल रिलीज होती, सैम बहादुर सामने नहीं होती, तो मे बी हो सकता था 30 करोड़ या फिर 28 करोड़ ये इजी टच कर सकते थे। फिलहाल तो 20 से 23 करोड़ के आसपास इसका एडवांस कलेक्शन फॉर डे वन जाता नजर आ रहा है, मतलब डे वन में जो ओपनिंग होने वाली है उसके कलेक्शन के लिए। तो वैसे हम नेट इंडिया से ये फर्स्ट डे ओपनिंग क्या रह सकती है इसकी, जिस हिसाब से रुझान देखने को मिल रहा है भाई, सिंगल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी से ही 40 करोड़ ठोक के मारेगी, एंड तमिल डब्ड वर्जन, कन्नड़ा डब्ड वर्जन एंड तेलुगु अच्छा रिस्पांस मिला, तेलुगु और कन्नड़ा से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो हो सकता है 48-47 या मे बी 50 या 45-50 इनके बीच में कभी भी भी नेट इंडिया से कलेक्शन कर लेगी ऑल लैंग्वेज को मिलाकर। आप लोगों की क्या राय है, ये फर्स्ट डे कितना ठोक के मारने वाली है, क्या 50 करोड़ अब जाएगी, हिंदी से क्या 42 करोड़ कमा पाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, चाहिए।